पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अंकल आपको सरकारी तरीका पता है? अगर नहीं पता है तो चुपचाप वहीं खड़े रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, हमें हमारा काम मत समझाइए। आप रिटायर्ड है ना, तो घर जाइए ना, घर जाकर बैठिए। चलिए चलिए, हाँ हम लोग चले, मेरी भाई सब चले। हाँ। अंकल जी हमें तो बहुत बदतमीज लगा वो ऑफिसर। अरे अगर आप बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए तो सुनने में क्या प्रॉब्लम है उसको? आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी उसको ठीक करके आते हैं। ऐसा डोज देंगे ना, ऐसा डोज देंगे। पूर्वी नहीं आंटी जी, आप देखिए याद रखेगा वो। तुम डोज दोगी उसको? जानती हो कौन है वो? कितना बड़ा अफसर है वो, और जानते हो इतना बड़ा अफसर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? यही तो प्रॉब्लम है नई जनरेशन की। पुरानी पीढ़ी की कोई कदर नहीं है, ना उनकी उम्र की, ना उनके तजुर्बे की। डोज देंगी ये। बेटा मत छेड़ो उसे इस समय, ये समय नहीं है उसे छेड़ने का। जिंदगी भर एक पैर पे खड़े होकर बड़ी ईमानदारी से उसने अपनी नौकरी की है। बड़ी तमन्ना थी उसकी चीफ इंजीनियर बनने की, लेकिन अपने आला अफसरों की चापलूसी नहीं कर सका, अपने काम की तारीफ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह सका, तो सीनियर इंजीनियर बनके रिटायर हो गया। ये फांस रह गई है उसके मन में, और जो आज हुआ है। अरे तो इसका मतलब हमें डांट देंगे क्या ऐसे? वो भी कोई रीजन भी नहीं था तब भी डांट दिया। कमाल है वीरेन अंकल, अजीब भी है ये। तुम्हारी जो भी शिकायतें हैं ना जगन्नाथ अंकल को लेके, हम बात करते हैं, चलो। हाँ जहाँ बैठ के दो बातें कर सकें। अंकल हमें तो समझ ही नहीं आता कि आप और जगन्नाथ अंकल फ्रेंड्स कैसे हो सकते हो। हाँ एक आप हो, आप इतने अच्छे हो, इतने मजेदार, इतने फन लविंग, और अंकल एक वो हैं, उनका तो जब देखो मुंह बना रहता है। अंकल हमें तो लगा था उनके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे। तो किसने कहा कि उसके दोस्त हैं? इतने सालों में ले दे के एक हम हैं और एक राधे श्याम है, बस दो ही तो साथी हैं उसके। एग्जैक्टली अंकल, आई डोंट अंडरस्टैंड उनके साथ कोई कैसे रहता है। जैसे तुम रहती हो अंकल, बट हमारी बात तो अलग है ना, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने हमारी जान भी बचाई थी, और हमारे पेरेंट्स के सामने, टू बी ऑनेस्ट He has a nice side to him. हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने अंकल, लेकिन लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है। तो किसने कहा कि दोस्ती आसान होती है? बेटा जग्गू उन दोस्तों में से नहीं है जो मतलब के लिए मिले हंसें और जैसे ही मतलब निकल गया तो गाय। उछला आदमी नहीं है जग्गू, गले तक पानी में उतरना पड़ता है जग्गू की गहराई जानने के लिए। 40 साल का साथ है हम दोनों का, 40 साल। 40 साल में तो लोगों की शादियां टूट जाती हैं, लेकिन हमारी दोस्ती टिकी रही। बहुत वाद विवाद हुआ, चिक चिक हुई, झगड़े हुए, जानती हो क्यों टिकी रही? क्योंकि जग्गू के लिए हम गले तक पानी में उतरे बेटा। बेटा रिश्ता निभाने के लिए, बनाने के लिए डूबना तो पड़ता है।
उछेले पानी में तो सिर्फ अटकेलियां करता है इंसान। और तुमने वो अंग्रेजी में क्या कहा था? यू टू डिफिकल्ट। नो, तुमने कहा था ही सीम्स टू बी अ नाइस मैन। जानती हो वो खास क्या है? एक सच्चाई, ईमानदारी, थोड़ा बचपना, थोड़ी जिद, थोड़ा फितूर, ये सब कुछ जमा करके हमारा बनता है यार जग्गू। अंकल आपको सरकारी तरीका पता है? अगर नहीं पता है तो चुपचाप वहीं खड़े रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे आप हैं कौन मिश्रा जी, हमें हमारा काम मत समझाइए। आप रिटायर्ड है ना, तो घर जाइए ना, घर जाकर बैठिए। आपके लिए आपका पसंद का खाना बनाया हमने। देखिए ये आलू मेथी की सब्जी और गुड़ भी है। भूख नहीं है कुसुम। क्यों जान जला रहे हैं पंडित जी? तीरन भाई साहब कहते हैं कि आजकल जो अफसर है ना, कोई तरीका नहीं, कोई समझ नहीं, कुछ आता जाता नहीं, बस अकड़ है, सिर्फ अकड़। उनको थोड़ी पता है कितना रुबाब, कितना रुतबा था आपका जल निगम में। सही आदमी की कदर नहीं है आजकल। वही तो, कदर ही नहीं है। सारी जिंदगी काम में झोंकती, पर मिला क्या बताओ? खा लीजिए थोड़ा। एक्सक्यूज मी सर, वो पाइप बदल गया है। आपने जैसे कहा था, हमने क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को फोन कर दिया था और झट से पाइप आ गया, काम हो गया है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।